What I'm going to say right now is very, very important. So one of my friend, Kabir Naik, had sent me a post on Instagram saying that almost around 50,000 trees will be cut in the Bhagwan Mahavir Sanctuary to lay down three projects. वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, तो सुबह के 10 बजे हुए हैं, एज यू कैन सी द वॉच, और अभी नहीं उठा था मैं, तभी 9:30 उठा था पापा ऑफिस को जाते हैं डोर बनने के लिए। अभी मैं मुंबई कर निखिल का ब्लॉग देख के आया और एकदम इंस्पायर्ड हो गया एक ब्लॉग करने के लिए मैं भी, तो मैं भी आज एक नॉर्मल ब्लॉग करूँगा कि मैं दिन में क्या क्या करता हूँ। और आज का वेदर तो बहुत अच्छा लग रहा है, बारिश नहीं गिर रहा है आज। तो एनीवेज, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इट्स मी सौरभ, आई एम स्टार्टिंग ऑफ विद दिस ब्रांड न्यू ब्लॉग। और आज का टॉपिक मेरे को मालूम है कि मैं क्या ब्लॉग करूंगा, जो मन में आया वही शूट करते जाऊंगा। और एनीवेज, इन दिनों में मेरे को बहुत सपोर्ट मिल रहा है यूट्यूब पर, तो चलो अब मैं ब्रश करके आता हूँ। तो चलो ब्रश करके, और अभी भी मैं नींद में लग रहा हूँ क्योंकि बहुत नींद आ रहा है अभी तक। इन दिनों में वेदर परफेक्ट है सोने के लिए। एनीवे चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट में ज़्यादा कुछ नहीं करता क्योंकि आई एम अ लेट टाइप का, मेरे को भूख 11-12 बजे लगता है और अभी 10:30 हुआ है टाइम। तो चलो दूध पीते और कुछ खाते हैं, पप्पा ने लोग लेके आए हो। दूध में मैं हमेशा बॉर्नविटा डालता हूँ क्योंकि वो मेरे को प्रोटीन शेक जैसा लगता है। एनीवेज, ऑल यू व्यूअर्स कमेंट बिलो, आप लोगों को बॉर्नविटा कैसा अच्छा लगता है, प्लेन खाने के लिए कि दूध में डालने के लिए? मेरे को तो प्लेन डालने के लिए पसंद है, लेकिन बाद में पप्पा गुस्सा होते। एनीवेज, बहुत जोक हो गया। दूध थोड़ा ठंडा हुआ। पप्पा 9:30 को दूध गर्म करे रहते हैं और मैं 10:30 को आराम से उठता हूँ, तो ऐसा ही होगा। तो चलो पहले दूध ही पीते। मैं रोज का सेम रूटीन होता है, सुबह मैं कार्टून देखता कोई तो शिनचैन नहीं तो डोरेमोन, क्योंकि हंस हंस के मूड फ्रेश होता है, और बाद में कोई मूवीज नहीं तो डिस्कवरी पे कुछ देखने का। कोरोना ने अभी गोवा में भी हाजिर हुआ, कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है गोवा में, और वास्को में कुछ ज़्यादा पेशेंट को मिल रहा है। गोवा में ऑलमोस्ट 150 कोरोना केसेस क्रॉस हुए हैं, जिन स्टेट में 100 है, एक केस भी नहीं था उधर, अब 150 के ऊपर गया है। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू डोंट टेक इट सीरियसली। एनीवेज, गोवा में अब बहुत कुछ हो रहा है, वो मैं आगे बताऊंगा जाते जाते ब्लॉग, पहला दूध पीता हूँ। सो आई फिनिश हैविंग द ब्रेकफास्ट, और अभी अभी मैं आरोग्य सेतु पे देखा था अपडेट्स और पता चला कि गोवा में 166 नहीं, आई वॉज रॉन्ग, 196 हो गए। क्या अब ऐसे बढ़ रहे, ऐसे नंबर्स काउंट डाउन हो रहे हैं, इन 3 वीक्स अभी 200 पहुंचने आए हैं। एनीवेज, द थिंग विच आर टॉकिंग अप इन स्टार्टिंग ऑफ द ब्लॉग वॉज, गोवा में अभी कुछ रॉन्ग डिसीजन हो रहा है सीएम से। वो अभी डिसाइड किया कि 3 प्रोजेक्ट्स होंगे, भगवान महावीर सेंचुरी जो ऑलमोस्ट 240 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा सेंचुरी है, उधर 3 प्रोजेक्ट बनाने का सोचा है। एक NH4 है हाईवे रेलवे लाइन में, एक हाई वोल्टेज, और अप्रॉक्सीमेटली 50,000 ट्रीज विल बी कट डाउन बोल रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट 50,000 ट्रीज, इट्स अ होम टू स्पीसीज, फैमिलीज ऑफ एनिमल्स। तो हमको ऐसा लग रहा है कि 50,000 पेड़ के क्या होगा, लेकिन वी आर रॉन्ग, वी हैव टू स्टॉप दिस ह्यूमंस। दिखने में अच्छा लगा, बाद में हम लोग सब फास्ट जाएंगे, अगर इलेक्ट्रिसिटी फास्ट जाएगा, लेकिन वॉट अबाउट दी स्पीसीज, इवन वी नीड देम टू सस्टेन एंड सपोर्ट दिस लाइफ। एनीवेज, मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि बाद में आप लोगों को बोरिंग लगेगा ब्लॉग, बट आई फाउंड दिस इम्पोर्टेंट टू शेयर इन माई ब्लॉग। सो दैट वॉज ऑल आई नो, आज का ब्लॉग बोरिंग है, लेकिन क्या करें घर पे, और क्या करें हम, बाहर जाने को भी अभी डर लगता है क्योंकि गोवा में अब कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है, 200 पहुँचने आया, जिस स्ट्रीट में 0 केसेस था उधर 200। तो एनीवेज, सब ठीक होने के बाद मैं बाहर जाऊँगा क्योंकि सब बोलते हैं ना, स्टे होम स्टे सेफ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लेकिन अब गोवा लोगों को
मालूम नहीं पड़ रहा कि क्या है वो। आई नो हु आई एम टेलिंग दिस, डायरेक्ट नहीं बोल रहा, इनडायरेक्टली, सो नो हेट। सो लेट मी टेल यू ऑल इन डिटेल अबाउट दिस प्रोजेक्ट, व्हाट डज इट प्रोजेक्ट मीन। सो वन ऑफ माई फ्रेंड कबीर नाइक हैड सेंड मी अ पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम, आई पुट इट इन दी वीडियो, विल गेट टू नो डिटेल्स अबाउट दिस प्रोजेक्ट। एनी वेज, इट इज एस्टिमेटेड अराउंड 50,000 ट्रीज, यस 50,000 ट्रीज विल बी कट, इट्स सेम एज डिफॉरेस्टेशन गाइस। सो वी मस्ट ऑल स्टैंड अप टू सेव अ फॉरेस्ट, बिकॉज एज वी ऑल नो फॉरेस्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन लाइफ, क्योंकि अगर फॉरेस्ट नहीं बचेंगे तो बाद में ये सब आएंगे, सुनामी, फ्लड्स, एंड देन वी ब्लेम ह्यूमंस फॉर डूइंग दैट। सो बट वॉट इफ इट कैन स्टॉप इट नाउ। एंड मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, आई बिगिन, इट्स बेटर टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन टू द होल वर्ल्ड, क्योंकि यूट्यूब पे सब लोग वीडियो देखते हैं फ्रॉम एनी स्टेट और कंट्री। सो एनी वेज, दैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, दिस वीडियो इज जस्ट अबाउट the facts of Goa, what is happening right now in Goa. So if you all enjoyed this short simple vlog, then please press that like button, comment down your thoughts, and don't forget to subscribe. Till then, bye bye, take care, see you all in the next video. Malum hai video boring hua tha, lekin it was just an update about coronavirus, then the deforestation thing which is going in Goa, and about my lifestyle. So see you all in the next vlog. Bye bye, take care.